सम्मानित मंच और मंच पर उपस्थित राज्य व जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य और आज भूख हड़ताल पर बैठे अपने सारे साथियों सारे अनिश्चितकालीन हड़ताल के आज 32वें दिन जो ब्लैक डे मनाया जा रहा है और आप लगभग सभी ब्लैक ड्रेस में हैं। सबसे पहले तो ये जो मुहिम राज्य कमेटी द्वारा चलाई गई है सभी को बहुत अच्छे से अंजाम दिया जा रहा है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हो। बाकी साथियों मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, पहले ही माफी मांग लेता हूँ। धीरे धीरे सीख रहे हैं आप जैसे बड़े भाइयों के सहयोग से। तो आज जो 32वें दिन का धरना चल रहा है, एक बात है, जब 18 जून को अपना जो कार्यक्रम हुआ था रोष प्रदर्शन का, उसमें एक ही घोषणा की गई थी भी अगर सरकार बात सुनती है तो ठीक है, अदरवाइज अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ जाएंगे। जिस दिन हड़ताल शुरू हुई थी साथियों में फुल जोश था और आज 32वें दिन भी वही जोश कायम है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। साथियों 1-2% साथी ऐसे हैं जिनके मन में कुछ है कि नेगेटिव चीजें उत्पन्न हो गई है और एक दूसरे से डिस्कस भी कर रहे हैं, तो उन साथियों को मैं स्पेशली एक संदेश देना चाहूंगा। भाई 5 तारीख को बैठे थे, अगर 5 को ही हड़ताल समाप्त हो जाती तो उतने ही दोषी थे, आज 32वें दिन बैठे हैं तो भी उतने ही दोषी हैं। कोई साथी घबराए ना, किसी के मन में ये डाउट हो अभी मेरी पे कट जाएगी, मेरा प्रोबेशन पीरियड है, मेरा ये है वो है, तो ये चीजें आप अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि जब सरकार के साथ वार्ता होती है तो यह भी एक पहलू होता है भी जो हमारा स्ट्राइक पीरियड है उसका समाधान किया जाए। और कल आपने अपने जो साथी है हरिभूमि वाले पत्रकार है, उनकी वीडियो शायद आप सभी ने देखी होगी, किस किस ने नहीं देखी, कोई है एक तो साथी ऐसा जिसने नहीं देखी, मैं साथियों जिसने नहीं देखी है ना वो वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि जो अपना 32 दिन का धरना है और आगे कितने दिन चलेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, क्योंकि सब चीजें जो है भविष्य में है तो उनकी कोई कमिटमेंट नहीं की जा सकती, पर जितने दिन भी धरना चलेगा, पहली बात तो ये है 35400 के लिए बैठे थे और 35400 लेके घर जाएंगे। नंबर 2, जो स्ट्राइक पीरियड है उसको भी बहाल करवा के जाएंगे, इतना हो सकता है सैलरी 4 दिन 10 दिन 15 दिन बाद आए पर इस पीरियड की भी सैलरी मिलेगी, तो ये चीज दिमाग में कतई ना रखें। जो भी डाउट है किसी साथी के मन में, कोई और तरह के डाउट होते हैं तो आपके बीच में प्रतिदिन जिला कमेटी राज्य कमेटी के साथी आते रहते हैं, तो भाई सीधी सी बात है जितनी चीजों में पारदर्शिता होगी ना उतना ही संगठन मजबूत होगा और अपना आंदोलन उतना ही तेज चलेगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है कोई संकोच है तो भाई पूछने में अर्ज ना किया करो, जितना नजदीक हम एक दूसरे के आएंगे उतनी ही पारदर्शिता बढ़ेगी और आपके मन के जो डाउट है वो क्लियर होंगे। अगर मैं यहाँ हूँ तो मेरे से पूछने में संकोच ना करें, प्रधान जी आए तो उनसे पूछने में संकोच ना करें, नेत्रपाल जी है तो उनसे पूछने में संकोच ना करें, जिला कमेटी के जो भी साथी है उनसे भी पूछने में संकोच ना करें, क्योंकि चीजें जब क्लियर होगी आप एक दूसरे की सारी बातें समझेंगे तो अपनी जो आंदोलन है वो और मजबूती से आगे बढ़ेगा। एक बात और है, अभी मीडिया के साथी आ रहे थे, उन्होंने एक चीज मेरे से पूछी थी भी आप पर जनता में जैसे भी कोई भी वीडियो वगैरह जाती है अपनी जो भी खबर जाती है तो कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो एक चीज तो ये है कि भगवान से भी सारे राजी नहीं है तो अपने से तो होंगे कैसे। नंबर 2 क्या है, लोगों के बीच में सरकार ने एक सरकार की तरफ से कर्मचारियों के प्रति लोगों के मन में एक ऐसी गलत धारणाएं पैदा की जा चुकी है भी कर्मचारी है ये काम नहीं करते, ये काम चोर है, ये वो मतलब बहुत सी चीजें होती है, कहीं ना कहीं क्या होता है अपने ऊपर भी एक बहुत ज्यादा मानसिक प्रेशर है, चाहे कोई साथी माने या ना माने पर रियलिटी यही है, अपने ऊपर काम का इतना प्रेशर है कि अपना घर के जो जरूरी काम है वही भूल जाते हैं और जो वो दिमाग पे प्रेशर होता है जो टेंशन होती है वो कहीं ना कहीं भी किसी भी तरीके से गुस्से के रूप में किसी न किसी पर जरूर निकलती है, चाहे वो घर जाके निकल जाए, चाहे ऑफिस में कोई अपने से मिलने आए उस पे निकल जाए,
तो सबसे बड़ी उसकी जड़ है जो अपनी सैलरी है वो 1900 भाई, 1900 सारा कुल टोटल करके अगर 28-30 हज़ार रुपये आते हैं। बहुत सी चीज़ें होती है, वही चीज़ दिमाग में चलती रहती है, किराया देना है, सब्जी लेके आनी है, दूध का हिसाब करना है, तो बंदे में टेंशन ज़्यादा होती है। सब चीज़ों का एक ही इलाज है, वो है 3500। जिस दिन 3500 मिल जाएगा तो आप सभी जब यहाँ से धरने से उठोगे तो एक शपथ लेके जानी है भाई, अब से एक बदला हुआ लिपिकीय वर्ग आम जनता के सामने प्रस्तुत होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जनता के मन में अपने प्रति नकारात्मक चीजें हैं उनको खत्म करके, जहाँ भी पब्लिक डीलिंग की सीटें हैं, जैसे तहसील में, फूड सप्लाई में, डीसी ऑफिस में, बहुत से ऑफिस में होती है, जहाँ भी आम जन आपसे काम के लिए आए उसको संतुष्ट करके भेजना अपनी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। भी अगली बार कभी हमें ऐसा आंदोलन करना पड़े तो भाई अपील लिखे अखबार के माध्यम से जनता तक ना भेजनी पड़े, इतना पता चल जाए भी हरियाणा का क्लेरिकल वर्ग फलानी जगह धरने पर बैठा है, तो वो खुद ब खुद अपने सहयोग में आ जाए। इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना है और वो सब हम ही कर सकते हैं, ना तो अपना अफसर कर सकता ना नीचे वाले कर सकते। तो ये आपसे एक अनुरोध है कि जो भी चीज़ें पहले प्रेशर में या किसी के साथ कुछ तू मैं की कहानी हो जाती थी, वो सब चीज़ें भुला के एक जो आमजन अपने बीच में आए उनको संतुष्ट करके भेजना अपनी टॉप प्रायोरिटी होगी। ज़्यादा कुछ नहीं होता, अगले को चाय पानी का पूछ ले उतने में ही संतुष्टि हो जाती है। ये चीज़ आप भी जानते हैं भी, पहले अपने भी एक दूसरे डिपार्टमेंट में रिलेशन नहीं थे, किसी भी ऑफिस में जाएं अगला चाय पानी का पूछ ले तो काम तो जो होना है तरीके से होना है, ये चीज़ें सबको पता है। पर एक चाय पानी पूछने से अगले के दिमाग में जो एक पॉजिटिव संदेश जाता है वो बहुत मायने रखता है, और अपने को यही चीज़ें करनी है। इसी तरह मीडिया के भी साथी जो है वो अपनी जो ये मांग है उसको पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर एक साथी का जितना अपना योगदान है उतना ही मीडिया के साथियों का योगदान है। कहीं ना कहीं ये भी दबे मन से चीज़ कहते हैं भी आपके जो साथी है हमारे तो निजी काम होते हैं वो नहीं करते, तो भाई आगे से जब ये भी ऑफिस में आए तो इनका भी खास तौर से ध्यान रखना है, आम जन का तो रखना ही रखना है, इनका भी पूरा ध्यान रखना है कि जो माहौल आज उन्होंने पैदा किया है अपनी जो मांग को पुरजोर तरीके से उठा रही हैं उसी प्रकार से जब ये आए तो इनके साथ उसी भाईचारे से पेश आना है, ताकि आगे इनको भी बुलाने की जरूरत ना पड़े, ये खुद ब खुद अपने आंदोलनों में चले आए। एक चीज और भी है, अभी आंदोलन काफी लंबा हो गया, मैं साथियों एक सीधी सी बात कहना चाहूंगा, अपन 50 साल का कचरा साफ करने के लिए निकले थे 50 साल, अब 50 साल का कचरा भी 5-4 दिन में साफ हो जाए ये तो पॉसिबल है नहीं, ये तो आप सभी मानते होंगे। तो 50 साल का कचरा है इसको साफ करने में टाइम लगेगा, 32 दिन हो गए हैं। एक साथी ने कहा था अभी 35400 चाहिए तो 35 दिन बैठना पड़ेगा, तो 35वां दिन भी आने वाला है, 35400 भी मिलेगा। पर कोई भी चीज़ इतनी जल्दी मिल जाए तो उसका स्वाद नहीं आता, सहज पके सो मीठा हो, तो वही बात है जितना धीरे धीरे पकेगा। सरकार भी अपना इम्तिहान ले रही है और ये चीज़ आपने देख ली होगी सरकार किस तरह फड़फड़ा रही है, कबूतर के पंजे जब किसी जाल में फंस जाते हैं ना तो फड़फड़ाता है ना, वो कहानी हरियाणा सरकार जाएंगे ये मेरा वादा है। आपने जिस विश्वास के साथ CAWS का साथ दिया था, CAWS उसी विश्वास पर खरा उतरेगी, और आपकी जो मांग है जायज़ अभी एक ही मांग है, शायद आप सभी को पता नहीं होगा, अभी सिर्फ 35400 की मांग इसलिए रखी थी भी बहुत सी जड़ें 35400 के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। 35400 मिल जाएगा तो 8-10 चीज़ें तो उसके साथ अपने आप क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो 20-25 अन्य संगठनों की 20-25 मांग होती है ना, अपनी क्लेरिकल की 20-25 मांग होगी, यानी अभी 35400 लेकर घर बैठ के आराम से सोएंगे नहीं, इस सिस्टम को इतना स्मूथ कर देना है कि जो क्लेरिकल वर्ग की नौकरी के लिए हर कोई आवेदन करे, इतना सिस्टम स्मूथ करना है, तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अभी एक चीज़ के लिए लड़ रहे हैं ये मिल जाए, उसके बाद बाकी चीज़ों के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और बिल्कुल जीतेंगे, ये मेरा आपको पूर्णतः विश्वास है, वादा भी है, जीत के ही घर जाएंगे। धन्यवाद साथियों, अगर इस बीच में कोई गलत सब निकल गया हो तो मैं आपसे माफ़ी